ओके, फाइनेंस एंड ट्रेड में हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है, उसका नाम है स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस. ओके, द चैप्टर नेम इज स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस एंड अंडर दिस चैप्टर वी विल नो अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट. इसका शॉर्ट फॉर्म EDB होता है, ठीक है. एंड द सेकेंड इज कॉन्सेप्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड, देन प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप, स्मॉल बिजनेस के अंदर सिर्फ हमें इंट्रोडक्शन जानना है, दैट्स इट. ओके, देन रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल इंडिया, देन गवर्नमेंट असिस्टेंस एंड स्पेशल स्कीम्स फॉर इंडस्ट्रीज इन रूरल बैकग्राउंड एंड हिली एरिया. ओके, ये हमें जानना है स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस के अंदर में. देन द नाइन्थ चैप्टर इज इंटरनल ट्रेड. ओके, इंटरनल ट्रेड के अंदर जानना है हमें मीनिंग, मेन फीचर्स ऑफ इंटरनल ट्रेड, टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम आम भाषा में GST बोलते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म GST होता है. तो GST के बारे में सिर्फ हमें इंट्रोडक्शन जानना है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है. वी विल नो ओनली अबाउट इंट्रोडक्शन, दैट्स इट, नथिंग एल्स. ओके, एंड द फाइनल चैप्टर इज इंटरनेशनल बिजनेस. ओके, सो अंडर द इंटरनेशनल बिजनेस वी विल डिस्कस अबाउट मीनिंग, नेचर ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड इंटरनेशनल बिजनेस, प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, रीजंस फॉर इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस वर्सेस डोमेस्टिक बिजनेस, बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, नीड फॉर इंटरनेशनल बिजनेस, मोड ऑफ एंट्रिंग इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन एक्सटर्नल ट्रेड, एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. ये हमारा कंटेंट था, दिस इज़ आवर कंटेंट फॉर बिजनेस स्टडीज़. एंड जो हमें पढ़ना है, हमें इसके अंदर क्या पढ़ना है, मैंने आपको सिलेबस अच्छे से बता दिया है. आपको उसे ध्यान से देखना है, इस वीडियो को देखना है, कंटेंट्स को समझना है, आपको कहीं पे नोट करना है, आप नोट कर लेना. ओके, थैंक यू सो मच, एंड स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय.